हिमाचल में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मंडी और चंबा जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में चंबा के भटियात में 3, मंडी में 1 और कांगड़ा के शाहपुर में मकान गिरने से 9 साल की बच्चे की मौत हो गई। चंबा और मंडी जिले में 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमीरपुर में 10 से 12 घर नदी में डूब गए। इनमें फंसे 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर कांगड़ा में भारी बारिश से चक्की नदी में बना पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे पुल बह गया। हालांकि इस पुल को एक हफ्ते पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था। इस वजह से अगस्त के पहले हफ्ते ही इसे बंद कर दिया गया था। मंडी के गोहर में पहाड़ी धसने से काशन पंचायत के जड़ोन गांव में एक ही परिवार के 8 सदस्य इसकी चपेट में आ गए। पूरा परिवार आधी रात अपने घर पर सो रहा था। अचानक घर के पीछे का पहाड़ धस गया। मौके पर अभी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मंडी की कटौला के बागी नाले में बाढ़ में एक गाड़ी और उसमें सवार 6 लोग बह गए। 15 साल की लड़की का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। उधर चंबा जिला में चुवाड़ी के बनेड गांव में भूस्खलन के बाद 3 लोग लापता हो गए। राज्य के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से अभी सूचना नहीं मिल पा रही है। इससे दोपहर तक जान और माल का नुकसान और बढ़ने का अनुमान है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।